जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग टेंशन फोर्स पढ़ेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स को मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल खत्म हो गया, अभी नॉर्मल टेंशन के बारे में तो पूरे चैप्टर में बातचीत होगी। तो नॉर्मल फोर्स यह था, जैसे किसी चीज को अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो अपोजिशन होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। टेंशन ठीक उसका उल्टा होता है। जब हम किसी चीज की को खींच के बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ये कपड़ा है, जिससे हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, सपोज करो ये कपड़ा है। अब अगर हम इस कपड़े की लंबाई को ऐसे खींच के बड़ा करना चाहते हैं, देखिए खींच के अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसके अंदर टेंशन आएगा। टेंशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी के लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर एलोंगेशन करना चाहते हैं, तो उसको अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है ना, छोटे बच्चे जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती तो एक ऊपर रॉड होती है उसको पकड़ के लटक जाते हैं, ऐसे रॉड होती है उसको पकड़ के लटकते हैं, तो रॉड को पकड़ के लटकेंगे तो उनके अंदर टेंशन आ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होता है कि लेंथ में चेंज का अपोजिशन होता है। अगर हम लंबाई किसी भी बॉडी को एलोंगेट करना चाह रहे हैं तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है वो टेंशन फोर्स होता है। नॉर्मल का ठीक उल्टा, नॉर्मल क्या होता है, कंप्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसका अपोजिशन है, दबाना चाह रहे हैं तो उसका अपोजिशन है, और टेंशन जो है वो अगर हम किसी बॉडी को खींचना चाह रहे हैं तो उसका अपोजिशन है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स अगर हम लिखें, इट अराइजेज ड्यू टू, इट अराइजेज ड्यू टू अपोजिशन ऑफ एलोंगेशन जब भी हम किसी भी बॉडी को खींच के बड़ा करना चाहते हैं, उसकी लंबाई में बड़ा, जैसे रियल लाइफ में भी आप सोचो, रियल लाइफ में भी कहते हैं कि यार आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है जीवन में, तो टेंशन कब आता है, टेंशन तब आता है जब हमारे पास हमें नंबर ज्यादा चाहिए होते हैं, हम खींच के बड़ा करना चाहते हैं, हमारे 60% आ रहे हैं हम उसको 70 करना चाह रहे हैं, तभी लाइफ में टेंशन आएगा। अगर 60 के 60 पे ही रहना चाहते हैं तो टेंशन नहीं आएगा। हम अगर 100 रुपए कमा रहे हैं उसको 150 करना चाहते हैं तो टेंशन आएगा लाइफ के अंदर। तो टेंशन हमेशा क्या होता है, खींच के जब बड़ा करने की कोशिश होती है तो उसका जो अपोजिशन है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। किसी भी चीज को अगर हम खींच के बड़ा करेंगे तो उसके अपोजिशन के तौर पर जो फोर्स आएगा उस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो टेंशन फोर्स जो होता है वो एलोंगेशन का अपोजिशन होता है। ठीक, और ये जो टेंशन फोर्स होता है ये नेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और दूसरा ये स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, जो भी स्ट्रिंग है उसके डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि बॉन्ड होते हैं। अगर रस्सी कोई है मान लो और उसको खींचोगे तो टेंशन पैदा होगा, रस्सी जली हुई है और उसको खींचो थोड़ी टेंशन पैदा होगा, क्योंकि उसके बॉन्ड ब्रेक हो चुके, बॉन्ड खत्म हो गए, जल गई रस्सी तो उसके अंदर के जो बॉन्ड थे वो खत्म हो गए, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि टेंशन फोर्स जो है, क्योंकि बॉन्ड का फोर्स होता है और बॉन्ड जितने भी होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड और 50 तरह के बॉन्ड केमिस्ट्री वाले बताते हैं, कोवेलेंट हो गया, आयनिक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड और फलाना ढिम, बहुत सारे बॉन्ड बताते हैं, तो वो सारे के सारे जो बॉन्ड है वो है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण ही आते हैं, तो वो सब चार्ज के फोर्सेस होते हैं, तो टेंशन इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये इसमें भी एक बात है, टेंशन इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन फोर्स जो होता है वो नेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, चार्जेस की वजह से होता है, बॉन्ड के फोर्सेस हैं, बॉन्ड के फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, तो टेंशन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्वभाव में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब जो टेंशन फोर्स होता है इससे जुड़े हुए बहुत सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो उन पर हम लोग एक एक करके वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं टेंशन से जुड़े हुए कुछ FBD बनाता हूं। सपोज करिए ये एक रस्सी है, इससे M मास का ब्लॉक लटका हुआ है, तो आपसे कहा जाए कि भाई ब्लॉक का जो ब्लॉक है M मास का, इसका FBD बनाओ। तो M मास का जो ब्लॉक है,
एम मास का जो भी ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पर टी लग रहा होगा। एम मास का ब्लॉक है, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ टी लग रहा होगा। भाई ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाह रहा होगा ग्रेविटी के कारण, तो ये रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं चलो भाई इसका रस्सी का एफबीडी बनाओ, तो रस्सी का अगर एफबीडी बनाना है तो देखो ध्यान से देखो, रस्सी का एफबीडी में बना रहा हूं, ये रस्सी इस ब्लॉक को टी फोर्स से ऊपर खींच रही, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, रस्सी को टी फोर्स से नीचे खींचेगा, ठीक। अब क्या है कि ये जो टी है मतलब इस रस्सी ने इस ब्लॉक को टी फोर्स से ऊपर खींचा, तो ये ब्लॉक इस रस्सी को टी फोर्स से नीचे खींचेगा। अब ये रस्सी को टी से नीचे खींच रहा है लेकिन रस्सी नीचे नहीं जा रही है, नहीं जा रही तो उसको अपोज करने के लिए यहां पे कोई ना कोई एक और फोर्स लग रहा होगा, छत जो है वो इस रस्सी को ऊपर खींच रही होगी, क्योंकि छत अगर रस्सी को सपोर्ट नहीं करती, ऊपर की तरफ नहीं खींचती तो रस्सी नीचे गिर जाती ना, तो छत रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो अगर मैं रस्सी का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर टी लग रहा है, इधर टी डैश लग रहा है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है जो आपको समझनी और सवालों में बहुत इस्तेमाल होता है, कि अगर रस्सी जो है वो लाइट है हल्की रस्सी है, फ्रिक्शन भी नहीं है मान लो, तो उस कंडीशन में देखो रस्सी का अगर अपना कोई मास नहीं है, तो अगर मैं इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ लिखूं, इस रस्सी के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नहीं लिख रहा हूं, अगर रस्सी के ऊपर मैं न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो टी माइनस टी डैश ये नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा रस्सी का मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। रस्सी का मास अगर जीरो है, मान लेते हैं कि रस्सी हल्की है, क्वेश्चन में कई बार हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इज लाइट या स्ट्रिंग इज मासलेस, वैसे मासलेस तो नहीं बोला जाता, हल्का बोला जाता है, तो अगर हम इसके मास को इग्नोर कर दें तो टी डैश जो है वो टी के बराबर आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आज के बाद जब भी कभी रस्सी हल्की और स्मूथ होगी तो रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा, किसी भी दो पॉइंट पे आप करोगे भाई, तो किसी रस्सी का कोई भी टुकड़ा लेके जब आप न्यूटन्स लॉ लिखोगे तो एम ही करोगे ना, एम तो जीरो है, एम जीरो है तो दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो रस्सी कभी भी अगर इस तरह की रस्सी आपको मिलती है जो कि हल्की है मतलब लाइट है, मासलेस बोलते हैं कई बार लाइट बोलते हैं, और स्मूथ है, तो अगर स्ट्रिंग लाइट और स्मूथ है तो उस कंडीशन में टेंशन फोर्स दोनों एंड पे सेम, मतलब रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा। इस बात को मैं नोट कर रहा हूं, बहुत काम की बात है। इफ स्ट्रिंग इज लाइट एंड स्मूथ इफ स्ट्रिंग इज लाइट एंड स्मूथ टेंशन फोर्स If string is light and smooth, tension force remains same throughout tension force remains same everywhere. रस्सी अगर हल्की है और स्मूथ है तो रस्सी में टेंशन फोर्स जो होता है वो हर जगह बराबर आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सब लोग अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, बार बार इसका यूज करते हैं हम लोग। और मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊं, जब तक कुछ कहा ना जाए हम लोग रस्सी को हल्का मानते भी है, मतलब अगर कुछ नहीं कहा उसने तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि रस्सी हल्की है। अब मैं टेंशन फोर्स से जुड़े कुछ और एफबीडी बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम में, जहां पर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या है इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज करिए ये दीवार है, हल्की एक रस्सी है, रस्सी का कोई मास नहीं है, दीवार से बंधी हुई है और हम इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एफ फोर्स लगा करके खींच रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं एक यहां पे ऐसे छोटा सा एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, तो इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन पे टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये रस्सी थी, रस्सी के ऊपर एफ फोर्स लगा के मैं खींच रहा हूं और एक मैंने इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन पे जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इस बारे में हम बात करेंगे। देखें
मैं इतने पार्ट का एफबीटी बनाऊंगा और फिर इतने पार्ट का बनाऊंगा। अगर मैं इतने पार्ट का बना रहा हूं, मैंने इस रस्सी के इतने पार्ट का बना हूं, तो देखो एफ आगे की तरफ लग रहा है लेकिन ये रस्सी रुकी हुई है, तो कोई ना कोई टी पीछे की तरफ लग रहा होगा। अब रस्सी के इस वाले हिस्से ने इस हिस्से पे टी इधर लगाया है, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से पे टी इधर लगा देगा। और अगर ये टी इधर लग रहा है लेकिन ये आगे जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको दीवार अपनी तरफ खींच रही होगी और कोई ना कोई टी डैश लगा रही होगी। वो अलग बात है कि रस्सी हल्की है तो ये दोनों टेंशन बराबर हो जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे तो ये दोनों टेंशन बराबर हो जाएंगे। यानी इस जगह पे टेंशन का अगर डायरेक्शन आपसे मैं पूछे तो आप कह दें कि भाई दो डायरेक्शन है। अगर अब इस टुकड़े की बात करेंगे तो टेंशन इधर लग रहा है, अगर इस टुकड़े की बात करेंगे तो जिस भी टुकड़े का हम एफबीडी बनाते हैं टेंशन उससे दूर की तरफ लगता है। पैटर्न अगर देखना चाहें आप, जैसे इसका एफबीडी बना रहे थे तो टेंशन इससे दूर की तरफ लगा, इसका एफबीडी बना रहे थे तो टेंशन इससे दूर की तरफ लगा। यहां पे देखें, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो टेंशन इससे दूर की तरफ लगा, रस्सी का बनाया तो रस्सी से दूर की तरफ लगा, क्योंकि खींचने वाला फोर्स है ना, खींचने की वजह से ही तो आया है। तो जो टेंशन फोर्स होगा जिसका भी हम एफबीडी बनाएंगे उस पर जो टेंशन फोर्स होता है वो दूर की तरफ लगता है, और ये एलोंगेशन का अपोजिशन करता है। जितना ज्यादा एलोंगेशन होता है टेंशन फोर्स उतना ही अधिक हो जाता है। टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा जिस भी बॉडी पे लगता है उससे दूर की तरफ लगता है। और थोड़ा टेंशन फोर्स को समझते हम लोग, कुछ और केसेस में यहां पे आपके सामने रखता हूं जिनमें हम लोग टेंशन फोर्स के एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पुली है और ये एक ब्लॉक इस रस्सी से जुड़ा है। मान लेते हैं ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है। फ्रिक्शन वगैरह हम इग्नोर कर रहे हैं, फ्रिक्शन तो हम मान ही नहीं रहेंगे कहीं पर है। तो अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है तो स्मॉल एम का जो एफबीडी होगा वो तो बहुत सिंपल है भाई, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, नीचे जाना चाहेगा, रस्सी रोकेगी इसे, ऊपर की तरफ टी लग जाएगा। कैपिटल एम का अगर मुझे एफबीडी बनाना है तो जहां जहां कॉन्टैक्ट है वहां वहां फोर्स लगेंगे, तो एक तो इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है तो यहां फोर्स लगेगा, एक ये रस्सी से जुड़ा हुआ है तो यहां भी लगेगा, तो रस्सी इस पर टेंशन लगाएगी, नीचे की तरफ इसका कैपिटल एम जी लग रहा होगा और ऊपर की तरफ एन लग रहा होगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो पुली है इसका भी एफबीडी बनाने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो पुली का एफबीडी बहुत केयरफुली बनाया जाता है। अगर हम पुली देखें इस तरह से, तो ये जो रस्सी है ये इस पुली को नीचे की तरफ खींच रही होगी टी फोर्स लगा के, ये वाली रस्सी अपनी तरफ खींच रही होगी टी फोर्स लगा के। अब पुली रुकी हुई है, तो पुली अगर रुकी हुई है तो ये जो पुली को सपोर्ट कर रहा है, जहां से पुली को बांध के रखा है, वो जो सपोर्ट है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। मान लेते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में एनएक्स लगा रहा है, वाई में एनवाई लगा रहा होगा। भाई ये पुली को ये रस्सी इधर खींच रही है, इधर खींच रही, फिर भी ये पुली रुकी हुई है, तो जो जिसने पुली को पकड़ के रखा है, जो हिंज जिसे कहते हैं जिससे पुली जुड़ी हुई होती है, वो भी इस पुली को रोकने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लो एक्स डायरेक्शन में वो एनएक्स लगा रहा है, वाई में एनवाई लगा रहा है, तो ये पुली का फोर्स डायग्राम हो गया। तो इस तरह से हम लोग पुली का फोर्स डायग्राम और रस्सी का फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। और भी फोर्स डायग्राम सिखाता हूं मैं आपको, अभी हम लोग फोर्स डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए सवाल भी करेंगे, तो लेकिन पहले फोर्स डायग्राम बनाना अच्छे से सीखें। कुछ और सिचुएशन है जहां पे फोर्स डायग्राम जो है वो बहुत यूजफुल होता है। जैसे एक सिचुएशन ये है, ये ब्लॉक का मास M1 है, ये M2 है। इसमें आपसे कहा जाता है कि भाई फोर्स डायग्राम बनाओ, तो फोर्स डायग्राम बनाना है तो मुझे M1 का अलग बनाना होगा, M2 का अलग बनाना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं M1 का फोर्स डायग्राम बना रहा हूं, M1 का, तो M1 पे नीचे की तरफ लग रहा होगा M1G और ऊपर की तरफ लग रहा होगा T। हम ये मान रहे हैं कि रस्सी हल्की है, तो अगर रस्सी हल्की है तो हर जगह टेंशन सेम होगा, तो नीचे की तरफ M1G ऊपर की तरफ T, और इस पे नीचे की तरफ लग रहा है M2G और ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ लग रहा है M2G ऊपर की तरफ T, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो कई बार होता है कि रस्सी का FBD बनाओ या पुली जो है उसका FBD बनाओ, तो अगर मैं पुली का FBD बनाऊं इसी केस में, जैसे मान लीजिए कि मैं पुली का FBD बनाता हूं, तो पुली पे क्या है, ये रस्सी इधर से T लगा रही होगी, ये इधर से T लगा रही होगी, कुल मिला के बाकी रस्सी पुली के बीच यहां इस वाले पार्ट के जो भी फोर्सेस हैं उन्हें इंटरनल है तो इंटरनल एफबीडी में नहीं दिखाते, तो ये टी लगा रहा होगा, ये टी लगा रहा होगा, और ये इधर ऊपर से
पुली को रोकने के लिए छत भी अपनी तरफ फोर्स लगा रही होगी, मान लेते हैं टी डैश लगा रही होगी, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग पुली का भी एफबीडी बना सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई मास नहीं है, कई बार पुली में मास होता है कई बार नहीं होता है, वैसे कुछ ना बोला जाए तो हम लोग पुली को हल्का ही मानते हैं, लाइट ही मानते हैं। तो अगर इस पुली में मास नहीं है तो सारे फोर्स बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो टी डैश टू टी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका एफबीडी बना सकते हैं। ऐसे कोई भी सिचुएशन दी हो टेंशन से जुड़ी हुई तो हम लोग उसका एफबीडी बना सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिस भी बॉडी पे आप एफबीडी बना रहे हो, टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा उससे दूर की तरफ लगता है। जैसे एक ये सिचुएशन देखिए, ये लड़के का मास जो है वो स्मॉल एम है और ये जो बॉक्स है इसका मास कैपिटल एम है। लड़का जो है इसका मास स्मॉल एम है और बॉक्स का मास कैपिटल एम है, ठीक है। तो लड़के और बॉक्स का एफबीडी बनाना है, लड़के का आपको अलग से एफबीडी बनाना है, बॉक्स का अलग से बनाना है। लड़का जो है वो रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है। कई बार ऊंची इमारतों में पेंटर्स इस तरह का पेंटिंग करने के लिए मैकेनिज्म भी यूज करते हैं कि एक बॉक्स के अंदर बैठ गए, बॉक्स जाके बिल्डिंग के टॉप से बांध दिया पुली से और रस्सी का दूसरा सिरा खुद पकड़ लिया। तो उस कंडीशन में जैसे इनको ऊपर जाना है तो रस्सी खींचेंगे ऊपर चले जाएंगे, नीचे जाना है धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रस्सी छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे। खैर उससे मतलब नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम का एफबीडी बनाए। एक मिनट का पॉज लें वीडियो से, एफबीडी बनाए, फिर आरएस का सॉल्यूशन देखें। अब अगर इसमें देखें हम तो ये स्मॉल एम का मास है, ये इसके ऊपर एक नीचे की तरफ एमजी लगी रहा होगा। अच्छा, जिस बॉक्स के जिस फ्लोर पे ये खड़ा है तो फ्लोर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ नॉर्मल भी लगा रहा होगा। तो मान ले रहा हूं एन नॉर्मल लग रहा है। लड़का रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी जो है वो लड़के को ऊपर की तरफ खींचेगी, तो रस्सी इसके ऊपर जो टेंशन लगाएगी वो ऊपर की तरफ लगा देगी। ये हो गया लड़के का एफबीडी। अगर मैं बॉक्स का एफबीडी बनाना चाहूं, जो बॉक्स है अगर मैं उसका एफबीडी बनाना चाहूं तो बॉक्स का एफबीडी भी बना देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। बॉक्स पे देखो रस्सी यहां से जुड़ी हुई है तो ये रस्सी बॉक्स को खींच रही होगी। उसके अलावा बॉक्स ने लड़के पे नॉर्मल ऊपर लगाया था तो लड़का बॉक्स पे नॉर्मल नीचे लगाएगा, एक ये फोर्स हो जाएगा। उसके अलावा बॉक्स पे, हाँ बॉक्स का अपना वजन तो रहेगा ही रहेगा, कैपिटल एम जी। बॉक्स जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां वहां फोर्स लगेगा, तो इन दोनों का कॉन्टेक्ट का नॉर्मल हो गया, यहाँ पे टेंशन लग रहा है कैपिटल एम जी हो गया, ठीक है। तो ये टी एन और एम जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो टेंशन फोर्स जो है उससे जुड़े हुए बहुत सारे एफबीडी मैंने आपको सिखाए। अब मैं टेंशन फोर्स से जुड़े हुए कुछ सवाल कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जहां पर आपको टेंशन की वैल्यू और एक्सेलेरेशन और कई सारी चीजें निकालनी है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल ये बनता है, ये 4 किलो का ब्लॉक है, ये 2 किलो का ब्लॉक है और ये 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का, बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, कहीं फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ये स्मूथ है सरफेस, सरफेस स्मूथ है। तो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइन एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताओ और रस्सी का टेंशन बताओ। तो ब्लॉक का अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हम ऐसे निकालेंगे, तो पहले तो एफबीडी बना ले, सबसे पहला काम तो यही होता है ना, एफबीडी बनाना। 4 किलो वाले का मैं एफबीडी बनाता हूं तो इस पे आगे की तरफ लग रहा है 24 और रस्सी इसको पीछे खींच रही होगी, टी लग रहा होगा। उसके अलावा इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ग्राउंड इस पे जो नॉर्मल लगाई रही होगी, खैर मान लिया N1, नॉर्मल से मतलब नहीं है। ये इसका एफबीडी बन गया। इस वाले का मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे एक नीचे की तरफ इसका अपना वजन,
जमीन इस पे पर नॉर्मल मान लिया N2 लगा रहा है और टेंशन T लग रहा होगा। रस्सी हमेशा मतलब जिस भी ब्लॉक पे हम टेंशन देखते हैं तो हमेशा ब्लॉक से दूर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, 24 माइनस टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन जो होगा वो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। 24 माइनस टी जो है वो 4 टाइम्स से हो जाएगा और t की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। अभी हम इसको सॉल्व करें तो 24 इज इक्वल हो जाएगा 6a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो देखें तो t इज इक्वल टू 2a था ना, तो टेंशन हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 मीटर, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल मैं भी दे रहा हूं आपको करने के लिए, क्वेश्चन जब भी दूं तो पॉज करके उसको नोट किया कीजिए, पहले खुद पॉज करके सॉल्व करें फिर पॉज करके उसको नोट करें। हम लोगों तो भाई आगे बढ़ते जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे आपके नोट करने के लिए, पर आपके पास फैसिलिटी है ऑनलाइन का, यही ब्यूटी है कि आप पॉज करके अपना पूरा नोट करके समझ सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं कि टीचर ने क्या बोला है, तो उस चीज का फायदा उठाएं होता है। लेकिन बच्चे फायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाते हैं, सोचते हैं कि ऑनलाइन है तो हम तो कभी भी पढ़ लेंगे, किसी भी टाइम पढ़ लेंगे, और इसके चक्कर में नुकसान। जबकि फायदा ये है कि आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हो, पॉज करके अच्छे से लिख सकते हो, लिखने का समय मिल जाएगा आपको, क्लासरूम में रेगुलर क्लासरूम में लिखने का समय नहीं मिलता। टीचर ने कोई बात बोली आप संकोच के मारे पूछ नहीं पाए, दोबारा पॉज करके बैक करके आप देख सकते हो कि भाई क्या बोला था उसने, ठीक है, तो उसका बेनिफिट उठाएं। चलिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, ये ब्लॉक है 999 किलो का, पुलिस से बंधा हुआ है और यहां पर एक पिद्दी सा 1 किलो का ब्लॉक बेचारा ऐसे चुपचाप लटका हुआ है, ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है। क्वेश्चन है, फाइन द एक्सेलरेशन ऑफ 999 केजी ब्लॉक एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 999 केजी ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। ये जो 999 किलो का ब्लॉक है इसका एक्सेलेशन बताना है और रस्सी के अंदर टेंशन कितना हुआ ये बताना है आपको। तो 2 मिनट का पॉज लेके आप तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन देखिए, इस पे देखिए, अगर मैं एफबीडी बना दूं, इसी जगह बना दे रहा हूं, इस पर नीचे की तरफ 10 लगेगा, ऊपर की तरफ टी लगेगा, वैसे बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हो सकता है एक्सेलेशन ना ही हो इसका, लेकिन नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। हम तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलेशन ए है, अगर इसका ए है तो इसका भी ए होगा। क्यों इसका ए होगा, क्योंकि जितना ये वाली रस्सी नीचे आएगी उतनी ही ये रस्सी आगे जानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये 1 मीटर नीचे आएगा तो ये 1 मीटर आगे जाएगा, तो इसका एक्सेलेशन अगर ए डाउनवर्ड होगा तो इसका ए आगे की तरफ होगा। अब मैं इसका भी एफबीडी बना लेता हूं, तो जो फोर्स लगेगा 9990 इधर लगा, टी इधर लगा, एन इधर लगा, नॉर्मल इधर लगा। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, पहले तो इसका इक्वेशन, अच्छा कौन बड़ा होगा इसमें, 10 बड़ा होगा या टी, क्योंकि जिधर एक्सेलेशन होगा उधर के फोर्सेस ज्यादा होंगे ना, तभी तो बॉडी उधर जाएगी। अगर टी बड़ा होता तो बॉडी ऊपर जाती ना, ये नीचे आ रही, इसका मतलब 10 बड़ा होगा। तो मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 - t, ये नेट फोर्स हो गया, ये बराबर जाएगा मास इंटू एक्सेलेशन। तो 10 - t जो है वो 1 × a के बराबर जाएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा, मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ क्या बनेगा, टी नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे हम तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेशन जो आएगा वो 1 by 10 नहीं आ रहा, 1/100 आ रहा है,
जरा सा मास था ना तो काफी कम आएगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन 1/100 आ जाएगा, और फिर हम यहाँ 1/100 रख देंगे तो टेंशन जो आएगा वो 9.99 आ जाएगा, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से इनको अप्रोच करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये M1 मास का ब्लॉक है, ये M2 का ब्लॉक है, हमें मान लो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, रस्सी हल्की है, पुली हल्की है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो बन रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, एक्सेलेरेशन बताएं और टेंशन बताएं, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा ये आपको बताना है। M2 जो है वो M1 से बड़ा है, हमेशा मान रहे हैं कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है, तो आपको एक्सेलेरेशन का पता लगाना है और टेंशन का पता लगाना है। 2 मिनट का पॉज लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर RS सर का सॉल्यूशन देखें। इसमें ये M1 मास हो गया, ये M2 मास हो गया। अब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन इसमें क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, जैसे FBD बनाता हूं मैं इसका, नीचे की तरफ M1 जी आ रहा है, ऊपर की तरफ T आ रहा है, और इस पे नीचे की तरफ M2 जी आ रहा है और ऊपर की तरफ T आ रहा है। अभी हमें ये पता है कि भाई जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये M2 जो है वो M1 से अगर बड़ा है, M2 भारी हो गया तो ये नीचे आएगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलेरेशन A डाउनवर्ड हो गया, इसका A डाउनवर्ड होगा तो इसका A अपवर्ड हो जाएगा, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो अगर ए डाउनवर्ड है तो इसका ए अपवर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं इस वाले ब्लॉक का, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखें, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A, ये हो जाएगा। और इसका हो जाएगा, ये टी से ऊपर जा रहा है, M1G नीचे आ रहा है, तो टी माइनस M1G is equal to M1A, M2G minus T is equal to M2A, और T minus M1G is equal to, जो फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, अगर ऊपर जा रही है यानी T बड़ा हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, दोनों को जोड़ दो इन दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा M2G minus M1G is equal to M1 plus M2 into A, और सॉल्व करेंगे हम तो A इज इक्वल हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू G। और ये रिजल्ट है, एक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवालों में, एग्जाम में भी सवाल आते रहते हैं, IT में भी आए सवाल, नीट में भी आते रहते हैं, जिनके अंदर एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ती है। कई बार डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, कई बार वर्क पूछते हैं, तो कई बार ये जरूरत पड़ती है। तो आप इसको याद कर रहे हैं, याद करना भी आसान है। एक्सेलेरेशन क्या होगा, दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों का सम इंटू जी, दोनों मासेस का अंतर अपॉन दोनों मासेस का डिफरेंस इनटू जी, ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम इस ए की वैल्यू किसी एक टी में रख दें, ये जो ए है इसको मैं यहां पुट कर दें, तो पुट करने के बाद जो टी आएगा वो टी इतना आता है, ट्वाइस ऑफ द, ये भी आपको याद करना है, ट्वाइस ऑफ द M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। जो टेंशन आएगा वो ट्वाइस ऑफ द M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये टेंशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन आएगा दोनों मासेस का डिफरेंस अपॉन दोनों का सम इंटू जी, और टेंशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये दो रिजल्ट हैं जो आपको याद भी रखने हैं, मतलब ये रिजल्ट अक्सर काम में भी आते हैं कि भाई टेंशन जो होगा वो 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालने का एक तरकीब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तरकीब ऐसे लिखा नहीं रहा हूं, बस सिखाने जा रहा हूं। जब भी आपको इस तरह के जो सवाल आए, ये जो भी सवाल आ रहे हैं, ये तीनों सवालों में मैं चूंकि तीन बना रखा है तो मैं तीनों में बताऊंगा। अगर आपको एक्सेलेरेशन अकेले निकालना है रस्सी वाले केसेस में, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है खींचने वाला फोर्स, बॉडी को जो फोर्स खींच रहा है, माइनस सिस्टम को जो रोकने वाला फोर्स है, अपॉन टोटल मास। जैसे इस केस में देखो, इस केस में इस सिस्टम को, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसको खींचने वाला फोर्स कितना है, 24 है, कोई पीछे की तरफ फोर्स नहीं है, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, अपॉन टोटल मास, टोटल मास इसका कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 4।
इसमें देखो खींचने वाला फोर्स, इस सिस्टम को कौन सा फोर्स खींच रहा है, ये एमजी तो खींच रहा है और तो कोई खींचने वाला फोर्स है नहीं, तो इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला फोर्स जो है वो 10 है। रोक इसको कोई रहा नहीं, इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा कि इसको रोका जाए या कोई फ्रिक्शन वगैरह हो, तो रोकने वाला कोई फोर्स यहां नहीं है। अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 1/100। तो एक रस्सी अगर है और उससे दो मासेस बंधे हैं तो हम एक्सेलेरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहां भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहां देखें तो ये M2G इसको खींच रहा है, अब M2G खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये वाला M1G रोकेगा, भाई ये M2G अब खींच रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये खींचने वाला हो गया अब, लेकिन अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो M1G रोक रहा होगा, तो खींचने वाला फोर्स हो गया M2G, रोकने वाला हो गया M1G अपॉन टोटल मास M1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से एक तरकीब भी आ गई कि एक रस्सी से दो मास जुड़े हुए हैं तो एक्सेलेरेशन होगा खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। और भी सवाल हैं कई सारे जो टेंशन फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि स्मूथ सरफेस पे एक स्ट्रिंग रखी गई है, स्ट्रिंग की लंबाई एल के बराबर है और स्ट्रिंग का मास जो है वो एम के बराबर है, स्ट्रिंग का मास एम के बराबर है, मैं एक एफ फोर्स लगा के इसे खींच रहा हूं, एफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो आपको बताना है कि लेफ्ट एंड से दूर, लेफ्ट एंड जो है सॉरी राइट एंड से एक्स डिस्टेंस दूर टेंशन कितना होगा। मतलब यहां पे एफ फोर्स हम लगा के खींच रहे हैं, तो क्वेश्चन है फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम राइट एंड राइट एंड है जो दाहिना सिरा है उससे एक्स दूरी पर टेंशन फोर्स कितना होगा। 3 मिनट का पॉज लेंगे, आप सॉल्व करेंगे, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखेंगे। इसको मैं खींच रहा हूं अगर, ठीक है, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इस पे एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो एफ बाई एम आ जाएगा, ठीक। लेकिन मुझे यहां टेंशन चाहिए, तो इस जगह टेंशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट का सिर्फ इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा, देखिए भाई इस पे एफ लग रहा है आगे की तरफ और टी लग रहा है पीछे की तरफ, ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है तो एफ की वैल्यू ज्यादा होगी और टी की वैल्यू कम होगी। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि इतने पार्ट के ऊपर मैं एक्स डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ अप्लाई करता हूं, एक्स डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ अप्लाई करूंगा तो एफ माइनस टी जो आएगा ये बराबर होगा इसका मास, इतने हिस्से का मास कम आएगा खैर, तो इसका मास मैंने एम डैश मान लिया इंटू एक्सेलेरेशन इसका ए मान लिया मैंने। अब ए की वैल्यू तो हमें पता है एफ बाई एम, लेकिन इतने पार्ट का मास हमें निकालना होगा, तो इतने पार्ट का मास निकालने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या था कि भाई 5 किलो चीनी जो है वो 100 रुपए की मिलती है तो 10 किलो कितने की मिलेगी, तो ऐसे सवाल बचपन में आते थे ना कि 5 किलो चीनी 100 रुपए की तो 1 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, 20 रुपए की, तो 10 किलो की 10 से मल्टी तो 200 आ जाएगा। कहने का मतलब कि भाई यूनिटरी मेथड नहीं था, इतने में इतना तो कितना आएगा। तो अब यूनिटरी मेथड में लगाता हूं, कैसे यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, देखें भाई एल लंबाई का जो मास था वो एम था, तो यूनिट लेंथ का जो मास आएगा वो कितना हो जाएगा एम बाई एल, तो एक्स लेंथ का जो मास आएगा वो कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो इतने पार्ट का जो मास आएगा वो एम बाई एल, भाई एल लंबाई का पूरे का मास एम के बराबर था तो यूनिट लेंथ का एम बाई एल हो जाएगा, तो इसका जो आएगा एम बाई एल इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब हम और फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो एफ माइनस टी जो आएगा वो एम डैश इंटू ए के बराबर आ जाएगा। एम डैश की जो वैल्यू है एम डैश है एम बाई एल इंटू एक्स, और ए की जगह जो आएगा वो एफ बाई एम आ ही चुका है, एम से एम चला जाएगा, और हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ इंटू 1 - x अपॉन, ये टेंशन आ जाएगा इसका। सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे होगा जहां x 0 है
तो टेंशन एफ के बराबर होगा, और सबसे कम जो टेंशन होगा वो यहां पर होगा जब एक्स एल के बराबर हो जाएगा, तो एल बाई एल वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो इस एंड पे कोई टेंशन नहीं होगा, सबसे ज्यादा टेंशन वहीं पे होगा जहां से हम इसको खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे सोचें जैसे आप जमीन पे हैं और आपको कोई पकड़ के खींचे, तो सबसे ज्यादा टेंशन आपके हाथ में आएगा ना, जिस पॉइंट को पकड़ के खींच रहे सबसे ज्यादा उसी पॉइंट में आएगा, दे दे करके बॉडी जैसे जैसे पीछे जाएंगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सपोज करें सेम वही रस्सी है, मास एम है, लंबाई एल है, और हम एफ फोर्स लगा के इसको ऊपर खींच रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड ले जा रहे हैं, सेम वही है, मास एम है, लंबाई एल है, और फिर से सवाल वही है कि यहां पे टेंशन क्या होगा, एफ फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको इस जगह पे टेंशन बताना है, यहां पे इस पॉइंट को ए बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस, टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अपर एंड चार मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आरएस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। तो टेंशन जो है ऊपर वाला जो सिरा है उससे एक्स दूरी पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ। पहले तो एक बार इस पूरी रस्सी के ऊपर अगर न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो पूरी रस्सी पे एफ ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, ये बराबर हो जाएगा एम ए पूरी स्ट्रिंग के लिए। F ऊपर लग रहा है, इसका अपना वजन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो F माइनस mg इज इक्वल टू ma हो जाएगा, ये तो पूरी रस्सी के लिए होगा। लेकिन आपसे करें यहां पे टेंशन बताओ, तो यहां पे अगर टेंशन पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को अगर हम लेंगे तो अब अगर इतने पार्ट को लेंगे तो इतने पार्ट में अगर देखा जाए तो इतने का मैं FBD बना लेता हूं, इतने पार्ट का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ एफ लग रहा है, नीचे की तरफ टी लग रहा होगा, इतने पार्ट का मास भी जैसे एम डैश लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसका अपना इतने हिस्से का मास अगर एम डैश है तो इसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये इतने फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इसका इक्वेशन बनेगा एफ माइनस टी प्लस एम डैश जी, एफ ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ टी प्लस एम डैश जी है, ये बराबर हो जाएगा एम डैश इंटू ए। मैं अगर मैं इतने पार्ट पे टेंशन लिखूंगा तो मुझे एफबीडी तो इसी का बनाना पड़ेगा ना, तो अगर मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं तो एफ माइनस टी प्लस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश ए। अब इसके अंदर हम एम डैश की वैल्यू निकालेंगे, एम डैश की वैल्यू वैसे ही आएगी यहां से, एल लंबाई का मास एम था तो यूनिट लेंथ का एम बाई एल इंटू एम बाई एल हो जाएगा, तो एक्स लेंथ का एम बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो मैं यहां पर सारी चीजें रखता हूं, एफ माइनस टी माइनस एम डैश जी, एम डैश जी की जगह आ जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और ये बराबर जाएगा एम डैश, एम डैश की वैल्यू आ गई एम बाई एल इंटू एक्स, एम डैश आएगा और ए की जगह आ जाएगा एफ माइनस एम जी अपॉन एम। ठीक है, ये हो जाएगा एम से एम चला जाएगा और ये हो गया एफ माइनस टी माइनस एम जी एक्स बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई एल इंटू एफ माइनस एम जी एक्स बाई एल, ये हो जाएगा। अब एम जी एक्स बाई एल से एम जी बाई एक्स बाई एल कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और टेंशन कितना आ जाएगा एफ इंटू वही आ गया। हाँ, मजेदार रिजल्ट है, चाहे नीचे चाहे ऐसे खींच के ले जाए तो भी टेंशन वही आएगा, वन एफ इंटू वन माइनस एक्स इंटू एल, चाहे ऊपर ले जाए तो भी वही आएगा, अगर नीचे आ रहा होता ना ये तो भी वही टेंशन आता, मतलब इसमें जो टेंशन आता उसका रिजल्ट वही आ जाता, तो ये टेंशन की वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। तो ये एक और सवाल आ रहा है टेंशन फोर्स का, देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको मिलेगा, ये एक चेन है
चेन देखा होगा उसमें कड़ी में कड़ी जुड़ी हुई थी, एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी, ऐसे चेन है और ये जो चेन है इस चेन के ऊपर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ, और ये चेन जो है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है मास ऑफ ईच लिंक इज, मास ऑफ ईच लिंक इज 100 ग्राम्स। हर कड़ी का मास 100 ग्राम है, जितनी भी कड़ियां हैं, 5 कड़ियां हैं इसमें, इसको मैं बोल रहा हूं कड़ी नंबर 1, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, फिफ्थ लिंक, 5 कड़ियां हैं और हर कड़ी का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर बन रहा है फाइंड फोर्स बाय सेकंड लिंक, फाइंड फोर्स बाय सेकंड लिंक ऑन द फर्स्ट लिंक, फाइंड फोर्स बाय द सेकंड लिंक ऑन द फर्स्ट लिंक। दूसरी कड़ी पहली कड़ी पर कितना फोर्स लगा रही, फोर्स बाय द सेकंड लिंक ऑन द फर्स्ट लिंक। ठीक है, मास ऑफ ईच लिंक इज 100 ग्राम, फाइंड फोर्स बाय सेकंड लिंक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो दूसरी कड़ी है वो पहली कड़ी पे कितना फोर्स लगा रही है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है आपको पता लगाना है। 2 मिनट का पॉज लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये जो पहली कड़ी है, अब मुझे अगर इसका इस पे फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट लिंक है अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इसका एफबीडी, चलो मैं यही बनाता हूं, यही बना देता हूं। चलो एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा 0.1g, 100 ग्राम मास है तो किलोग्राम में जो है वो इतना हो जाएगा, तो ये 0.1g हो जाएगा और ऊपर की तरफ इस पे टी लग रहा है, ये 0.1g हो जाएगा, ऊपर की तरफ टी लग रहा है। अब इसमें देखें तो ये टी बड़ा होगा या 0.1g, सोचें आप, तो ऑब्वियसली टी बड़ा होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं इस लिंक के ऊपर अगर न्यूटन को लॉ अप्लाई करूंगा तो लॉ बनेगा टी माइनस 0.1g, नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन 0.1, और एक्सेलेरेशन जो है वो कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये टेंशन जो आएगा ये 1.5 न्यूटन हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। भाई जैसे ये कड़ी से कड़ी बधी हुई ना, तो नीचे वाली कड़ी को ऊपर वाली कड़ी ऐसे ऊपर खींच रही होगी, ऐसे खींच खींच के ले जा रही होगी। तो मैंने मान लिया कि सेकंड लिंक फर्स्ट लिंक के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो टी लगा रही है, तो उसी टी की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, एक और इसी के अंदर सवाल बना सकते हम लोग। अगला सवाल इसी के अंदर बन रहा है, फाइंड द फोर्स बाय थर्ड लिंक, फाइंड द फोर्स बाय थर्ड लिंक ऑन द सेकेंड लिंक। फाइंड द फोर्स बाय द थर्ड लिंक ऑन द सेकंड लिंक। जो तीसरी वाली कड़ी है वो दूसरी कड़ी पे कितना फोर्स लगा रही है, 5 कड़ियां हैं तो इसके अंदर जो थर्ड लिंक है वो सेकंड लिंक पे कितना फोर्स लगा रही है, आपको ये पता लगाना है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि तीसरी कड़ी दूसरी पे कितना फोर्स लगा रही है, तो आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं, बाकी मैं तो निकाल के आपको बता ही रहा हूं। देखें, अब जो सेकंड लिंक है उसके ऊपर थर्ड लिंक का मुझे फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी चालाकी दिखाऊंगा, मैं ये 1 और 2 का एफबीडी एक साथ बना ले रहा हूं। इसलिए 1 और 2 का एक साथ बना रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं तो इसलिए मैं 1 और 2 दोनों का फोर्स एक साथ लगा रहा हूं, और ये मैं मान लेता हूं कि तीसरी कड़ी, जैसे ये पहली कड़ी थी ये दूसरी कड़ी थी, तीसरी कड़ी ने इसके ऊपर मान लिया टी डैश लगा दिया, थर्ड लिंक ने इसके ऊपर टी डैश ऊपर की तरफ लगा दिया, नीचे की तरफ इस पे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 0.2g। थर्ड लिंक ने इसके ऊपर टी डैश ऊपर की तरफ लगाया, नीचे की तरफ जो लग रहा होगा 0.2g लग रहा होगा, और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि मास दोनों का मिला के मास 200 ग्राम हो गया, तो टी डैश माइनस 0.2g
इज इक्वल टू 0.2 इनटू ए, एक्सेलेरेशन इसका कितना होगा, डीआईएफ 5, एक्सेलेरेशन 5 के बराबर दिया हुआ है। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 और ये 1, तो इसका मतलब टी डैश कितना आ जाएगा, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2+1, 3 न्यूटन आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसको भी नोट करेंगे आप। इसी के अंदर, इसी सवाल के अंदर एक और सवाल बनता है, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, कैपिटल एफ की वैल्यू बताएं। तो कैपिटल एफ की वैल्यू आपको निकालनी है तो फिर आप फिर से 2 मिनट का पॉज लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आइए मेरे सॉल्यूशन की ओर। तो कैपिटल एफ जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, कैपिटल एफ ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर मैं इस पूरे का एक साथ एफबीडी बना लूं, पूरे का, पूरे का मैं एक साथ एफबीडी अगर बनाऊं तो ऊपर की तरफ तो इसमें कैपिटल एफ लग रहा होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा जीरो पॉइंट फाइव जी, ऊपर की तरफ कैपिटल एफ लग रहा है, नीचे की तरफ 0.5g लग रहा है। ये नेट फोर्स हो गया और ये बराबर हो जाएगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5g का मतलब 5 और 0.5 इंटू 5 कितना हो गया 2.5, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये एक सवाल हो गया, इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, इसको भी नोट करिएगा। कई सारी बातें हैं जो न्यूटन्स लॉ से जुड़ी इसमें हम निकाल सकते हैं। इसमें यह भी पूछा गया है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द फोर्थ लिंक फाइंड द नेट फोर्स ऑन द फोर्थ लिंक जो चौथी कड़ी है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स ऑन द फोर्थ लिंक। तो चौथी कड़ी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एक मिनट का पॉज लेके इसको सॉल्व करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो चौथी कड़ी पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप ये चेक करने के लिए कि आपको न्यूटन का लॉ जो है उस पर भरोसा हुआ है कि नहीं अभी तक, क्योंकि न्यूटन का लॉ ही आपको फिजिक्स में आपका बेड़ा पार लगाएगा, तो उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए भरोसा आपका मैं चेक करता हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, नेट फोर्स जो होता है, किसी बॉडी पे 72 फोर्स लग रहे हैं, इधर से उधर से यहां से वहां से जहां से सब जगह से फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर। नेट किसके बराबर होता है, नेट बराबर होता है एमए, किसी भी बॉडी पे कितने भी फोर्स लग रहे हो लेकिन जो नेट होगा वो एमए के बराबर होगा। बॉडी का मास आपको दिया है, हमें इससे मतलब नहीं कि किधर किधर से कितने कितने लग रहे हैं, बॉडी का मास दिया है, बॉडी का एक्सेलेरेशन दिया है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो एमए के बराबर होगा। तो चौथी कड़ी का मास कितना था 0.1 और एक्सेलेरेशन 5 है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन। तो नेट जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0.5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। एक और बड़ा बढ़िया सवाल निकल के आ रहा है इसमें, जैसे ये मान लीजिए छत है और इस छत से एक रस्सी बंधी हुई है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, रस्सी का मास एम के बराबर है और ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, और रस्सी जो है उसका मास एम के बराबर है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्स by the string, find the force by the string on wall, sorry wall नहीं ceiling, दीवार नहीं है छत है ये, ठीक है। 3 मिनट का पॉज लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। छत जो है वो रस्सी पे कितना फोर्स लगा रही है, रस्सी छत पे कितना लगा रही है, दोनों एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या बनता है, मैं इसका एफबीडी बना लूं इस रस्सी का। तो अगर एफबीडी बनाऊंगा तो इधर से मान लीजिए टी लग रहा है, इधर से भी टी लग रहा होगा। टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, रस्सी के डायरेक्शन में लगता है। उसके अलावा इसका वेट लग रहा होगा एमजी नीचे की तरफ। अब अगर मुझे करना है सारे फोर्स बैलेंस करना है तो मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूं। टी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो टी कॉस थीटा आएगा,
जो इधर आएगा टी साइन थीटा आएगा, उसी तरह से इस वाले टी का जो कंपोनेंट आएगा वो टी कॉस थीटा आएगा, और ये जो आएगा टी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इधर टी कॉस थीटा इधर टी कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ टी और टी तो कितना हो गया टू टी साइन थीटा, नीचे की तरफ एम जी, तो टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, टू टी साइन थीटा ऊपर लग गया नीचे एम जी लग गया, तो टेंशन कितना हो जाएगा भाई, ये टी कॉस थीटा से ये टी कॉस थीटा कट गया, टू टी साइन थीटा ऊपर एम जी नीचे, तो टी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी अपॉन टू साइन थीटा, ये नोट कर लीजिए। एक और सवाल बढ़िया दे रहा हूं आपको, इसी के अंदर लिखे फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे टेंशन बताएं। ठीक है, दो मिनट का पॉज लीजिएगा, सवाल को करिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो अगर मुझे इस रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन चाहिए तो मैं आधी रस्सी का एफबीडी बना देता हूं, आधी रस्सी का मैं एफबीडी बना देता हूं, आधी रस्सी का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो देखें इसमें इधर लग रहा है टी कॉस थीटा, इधर लग रहा है टी साइन थीटा, इधर लग रहा है टी डैश, टी कॉस थीटा इधर टी साइन थीटा इधर, मैं मान लेता हूं सेंटर पे टी डैश लग रहा है और इसका वजन भी लग रहा होगा एम जी बाई टू, आधी रस्सी है ना तो वजन इसका एम जी बाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा होगा, तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर जाएगी टी कॉस थीटा, टी डैश जो है वो टी कॉस थीटा के बराबर होगा, टी की वैल्यू कितनी होगी एम जी अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉट थीटा बाई टू, जो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मिड पॉइंट पे भी टेंशन निकाल सकते हैं।